मैंने उन सबको प्रिंट करवा लिया और भाई कसम से बहुत अच्छा लग रहा है ये। रुको मैं तुम लोग को अपनी अचीवमेंट दिखाता हूँ, ये देखो 1, 2, 3, 4 और नया चैप्टर भी एक चालू हुआ है तो उसके भी 2 लेक्चर है, तो 5-6 मतलब टोटल 6 लेक्चर का बैकलॉग है मेरा। वाओ तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 12 बज रहे, दोपहर के 12 बज रहे और मैं अभी अपना बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, साथ में बायोलॉजी का लेक्चर कर रहा था। तो अभी मैं साथ में ये दोनों कर लेता हूँ ख़त्म, उसके बाद फिर नाश्ता भी कर लूँगा लेक्चर देखते देखते, एंड देन अपना डेली टारगेट बनाऊँगा। आज अपने को बहुत सारा प्लान करना है बिकॉज AITS भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो AITS का रिविजन भी करते रहना पड़ेगा, साथ में अपने लेक्चर्स भी करते रहना पड़ेगा, ऊपर से सिलेबस भी अभी ऑलमोस्ट 80% 70% तो ख़त्म हो गया है, तो उसे भी ध्यान में रख के अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। तो यार यही है मेरा आज का डेली टारगेट। आज देखो मुझे फिजिक्स के 2 लेक्चर करने हैं जो कि मैं रोज लिखता हूँ पर एक ही कर पाता हूँ, पर मैं इतना जिद्दी हूँ कि हर बार उसे लिख ही देता हूँ। और बाकी बायोलॉजी में मुझे बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर करना है जो कि मैं दिखाया आपको स्टार्टिंग में, वो कर लूंगा, और उसके साथ साथ मैं इको सिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, या तो फिर AITS में जो चैप्टर आने वाला होगा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, और केमिस्ट्री में भी अपना वही रोज का जो लेक्चर चल रहा था वो चलेगा, और AITS के रिविजन में जो मैं करने वो तो आगे दिखाई दूंगा। एंड यार मैं यही बोलूंगा कि देखो बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनका बैकलॉग चल रहा है ना, तो तुम लोग मोस्टली ऐसे ट्राई करो कि जो अभी बायोलॉजी है ना उसके वन शॉट देख के उसे निपटा दो ताकि तुम्हारे पास टाइम बचे। अब देखो ये मैं एक लाइक सजेशन ही दे रहा हूँ, क्योंकि कैसा होता है ना कि अब तुमने जो टाइम वेस्ट कर दिया वो तो वेस्ट कर दिया। अगर तुम्हारे बहुत सारे बैकलॉग है तो तुम बायोलॉजी के भी डिटेल लेक्चर, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी डिटेल लेक्चर नहीं देख पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना। और अगर तुम एकदम से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब तो फिर तुम्हें या तो एक्स्ट्रा टाइम दे के बैठना पड़ेगा, और अगर तुमने ऑलरेडी बायोलॉजी एक बार कर रखा होगा ना लॉन्ग लेक्चर से तो फिर तुम लोग उसके वन शॉट ही देख लो। इसमें देखो डिटेल लेक्चर से थोड़ा सा कंटेंट कम होता है, ऐसा नहीं कि दोनों इक्वली होते हैं, ऑब्वियसली कम होता है, लेकिन तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स अगर कवर करना है ना तो उसके हिसाब से प्लान करके चलना पड़ेगा। तुम लोग एक बार अच्छे से बैठ के अपना प्लान बनाना कि मुझे कैसे प्लान करना चाहिए, कितना सब्जेक्ट है, कितना बैकलॉग है, कितना टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स है वगैरह वगैरह, सब कैलकुलेट करो और पूरा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ प्लान करो। तुम लोग ना ये एक जोक सुनो, अभी अभी सर ने सुनाया एक जोक, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, एक जोक सुनाता हूँ, बहुत मस्त लंगड़ा आम पे। तो एक बार एक आदमी था, वो ठेले से आम लेने के लिए जा रहा था, तो ठेले वाले भैया से पूछता, भैया लंगड़े आम कैसे दिए? तो बोलता 50 रुपए केजी। और बोलता अल्फोंसो आम? तो कहता 100 रुपए केजी। तो आदमी पता है क्या बोलता है? वो आदमी बोलता है अल्फोंसो आम की टांग तोड़ के 2 केजी पैक कर दो। यार जोक तो बहुत अच्छा था लेकिन सर माइक बंद करके बोला करो। नहीं यार मस्ती कर रहा हूँ, एक्चुअली सर ने ये जोक बोला, इसके बाद आगे 3-4 बार समझाया इसे क्योंकि सर को पता चल गया था कि जोक अच्छा नहीं था। हाँ तो चलो अपना लेक्चर तो हो ही गया, अभी अभी मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ जैसे कि मैंने बोला था, और फिलहाल के लिए मैं थोड़ा इंटरेक्टिव वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे कि ये नीट प्रेप में मैं जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ ना तो इसमें से मैं खुद से DPP जनरेट कर सकता हूँ, और खुद से DPP जनरेट करके जो टॉपिक मैंने पढ़ा रहता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक में फंस जाता हूँ तो उसके सॉल्यूशन भी रहते ही है, और कोई पूरा टॉपिक ही पूरा वीक रहता है ना तो उसके फ्लैश कार्ड से मैं रिवीजन कर लेता हूँ। एंड जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ यार, इसमें अजर्शन रीजन, PYQs, मैच द कॉलम्स, हर टाइप के क्वेश्चंस है, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट के लिए चाहिए होती है वो इससे हो ही जाती है मेरी। बाकी हाँ अगर तुम्हें भी इसमें इनरोल करना है ना तो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखे, तुम लोग जाके इनरोल कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ साथ तुम्हें टेस्ट भी मिल रहे बहुत सारे, तो अगर अच्छे से और हर टाइप की प्रिपरेशन करनी है रिवीजन के साथ तो यू कैन गो फॉर इट। तो गाइज मेरे स्टडी रूम में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, जैसे कि यहाँ पे एक बेड हुआ करता था जो कि कुछ काम का नहीं था बिकॉज ना तो उस पर मैं सोता था ना कोई और वो बस ऐसे ही पड़ा रहता था बिकॉज मैं दूसरे रूम में सोता था, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं था, एंड फोकट की वो जगह ले रखा था मेरे रूम में, इसीलिए उसे मैं कब से कह रहा था इधर से हटवाने के लिए, तो फाइनली हमने उसे यहाँ से हटा के स्टोर रूम में रख दिया है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ के कर्टेंस भी चेंज कर दिए, ये वाला लगवा दिया ताकि थोड़ा लाइक स्पेस भी मिल जाएगा यहाँ पे एंड अच्छा भी लगेगा, और यहाँ पे भी मैंने लगवा दिए। फिलहाल के लिए मैंने रोल अप कर रखा है क्योंकि मुझे ये पेपर्स हटाने थे यहाँ से। अब ये पेपर मैंने एक्चुअली इसलिए लगाया था बिकॉज यहाँ पे भी वो लॉन्ग वाले कर्टेंस थे लेकिन इधर मेरे को डेस्कटॉप रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने वो हटा दिया, तो फिर यहाँ से ब्राइटनेस आ रही थी तो डिस्प्ले नहीं दिख रहा था, इसलिए फिर मुझे यहाँ पे पेपर चिपकाना पड़ा। तो पहले मैं ये वाले ऐसे पेपर लगा रखे थे जो कि शायद मेरे बहुत पहले के शॉर्ट्स में दिखे होंगे, उसके बाद मैंने उसको रिप्लेस करके ये चार्ट पेपर लगा दिया, लाइक टेम्प्रेरी। अब और क्या ही कर सकता था भाई, मैं नहीं सोचा था कि मैं कर्टेंस वगैरह लूंगा या क्या करूंगा, कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट चार्ट पेपर लगा दिया और एक टेम्प्रेरी मेरा चल रहा था सब कुछ।
पर फिर अब मैं सोचा कि यार वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था एंड बार बार ये ना निकले जा रहा था बिकॉज मैंने टेप से लगा रखा था ना, तो वो सर के जा रहा था बार बार, तो फिर उसे भी हटा दिया, फाइनली ये लगा दिया। अब पहले मैं इसे हटा देता हूँ पूरा और फिर आपको एक फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये है पूरा फाइनल लुक एंड अभी वो पूरा मैंने पेपर हटा दिया और वो काफ़ी अजीब सा ही लग रहा था, अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले से, है ना। अभी मैं इसे कर्टन्स डाउन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलो अपना भाई अब सारी चीज़ें हो गई पूरी एंड अभी ऑलमोस्ट 5:30 हो रहा है, तो अब मैं अपना केमिस्ट्री का लेक्चर करने बैठता हूँ क्योंकि बायोलॉजी तो मेरा आज का हो चुका है, तो अब केमिस्ट्री का लेक्चर करते हैं एंड उसमें देखता हूँ कितना टाइम लगता है क्योंकि साथ में नोट्स भी बनाने होते हैं तो थोड़ा टाइम और लग जाता है। बाकी जो मैं AITS प्रिपरेशन करने वाला हूँ वो तो एंड में ही करूँगा ना, क्योंकि वो रिविजन टाइप ही रहेगा मेरा। अभी फिलहाल के लिए मेरे को अपने डेली लेक्चर्स तो कम्प्लीट करने ही पड़ेंगे। बाकी हाँ, बहुत से लोग रूम टूर के लिए कब से बोल रहे थे, शायद जब से मेरा चैनल चालू हुआ है ना तब से मेरे को रूम टूर लिख रहे थे एंड अब तक मैंने किया नहीं था, तो अभी मैं बहुत जल्द रूम टूर करूंगा, पहले सारी प्रिपरेशन उसकी हो जाएगी तब, एंड मैं थोड़ा टाइम लेके ही करूंगा ताकि आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा है। ऐसा रैंडमली बस मैं कैमरा उठा के वीडियो बना के नहीं देना चाहता हूं, मैं अच्छे से उसे शूट करके अच्छे से एडिट करके देना चाहता हूं, तो उसके लिए उतनी वेट करना और जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना ही अच्छा प्रोडक्ट निकलेगा, है ना। तो अभी मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर भी पूरा हो चुका है एंड मैंने साथ में उसके नोट्स भी बना लिए, और ये चेक मारो यार, मैं जो अपना बाकी चैप्टर्स के जो मैंने नोट्स बना रखे थे ना डिजिटल नोट्स, मैंने उन सबको प्रिंट करवा लिया और भाई कसम से बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो ये फ़ायदा तो बहुत अच्छा हो गया यार, उसको निकाल के मस्त प्रिंट करवा लो। अब इसी में कुछ भी चीज़ अगर मुझे एक्स्ट्रा रिविजन के टाइम ऐड करनी रहेगी तो यहाँ पे बहुत स्पेस मैंने छोड़ रखा है, मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ सारे चैप्टर में। और फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ आज 1 घंटे का ही वन शॉट का सेगमेंट किया है, ये टोटल 3-3.5 घंटे का पार्ट है जिसमें से आज मैंने 1 घंटे का किया है और ये करने में मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए। वो इसलिए होता है क्योंकि ये वन शॉट है ना, तो सर फटाफट से सारी रिएक्शन जो पिछले चैप्टर में बता दिया था उसे फटाफट से लिख के चल देते हैं, पर मुझे तो वो नोट करना पड़ता है ना, तो इसलिए नोट करने में ज़्यादा टाइम जाता है, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए और बीच में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो है ही ऑब्वियसली। चलो कोई ना, फिलहाल इन सबको साइड में हटाता हूँ और अभी मैं फिजिक्स का लेक्चर करता हूँ जिसमें अपने बहुत सारे बैकलॉग भी बना रखे, तो देखते हैं उसके बैकलॉग का तो क्या होता है, पर स्टिल आज एक लेक्चर ही करूँगा शायद, क्योंकि अपने को AITS का भी रिवीजन करना है भाई। रुको मैं तुम लोगों को अपनी अचीवमेंट दिखाता हूँ, ये देखो 1, 2, 3, 4 और नया चैप्टर भी एक चालू हुआ है तो उसके भी 2 लेक्चर है, तो 5-6, मतलब टोटल 6 लेक्चर का बैकलॉग है मेरा। वाओ यार, वो पता नहीं क्यों आजकल ना अमर सर के 2 घंटे का लेक्चर करने को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, या फिर शायद ऐसे कि मैं पहले सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाता था इसीलिए मेरे बाकी सब्जेक्ट जल्दी हो जाते थे और अमर सर के लेक्चर को टाइम मिलता था। अभी ऐसा हो रहा है कि अमर सर के लेक्चर को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पा रहा इसीलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है, पर ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस है, तो एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा ठीक से हो जाएगा तो फिजिक्स अपना चलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं अभी इस लेक्चर को कितना टाइम लगता है और मैं कोशिश करूँगा इस बार की कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो ताकि फटाफट से ये लेक्चर ख़त्म हो जाए, तो 2-2.5 घंटे का स्लॉट लगाते हैं और कोशिश करता हूँ कि 2-2.5 घंटे में ही हो जाए। भाई आजकल पता नहीं क्यों पर फिजिक्स में ना मैं बोर हो गया हूँ खतरनाक वाला, बिकॉज एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्टिंग वाला चैप्टर है ना जो कि मैंने 12th में अच्छे से किया ही था, और फिर कैसा है कि अभी बहुत टाइम हो गया किए हुए इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें भूल गया हूँ, तो लेक्चर देखते वक्त थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद आता है और फिर बहुत लेंदी सा लगता है, बहुत बोरिंग सा लगता है ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, अब आई गेस मुझे बोरिंग ही लगेंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जब इंटरेस्टिंग से टॉपिक चालू होंगे तभी कुछ अलग सा मज़ा आएगा। हाँ, तो शेर ने बोला था ना कि शेर 2.5 घंटे में लेक्चर ख़त्म करेगा, तो 2.5 तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर मेरा फिजिक्स का लेक्चर तो हो गया, और अभी मैं कोई DPPs वगैरह तो नहीं करने वाला हूँ, अभी शेर AITS की प्रिपरेशन करेगा,
शेयर डीपीपी बाद में करेगा। तो पहला अभी मैंने अपने AITS के रिवीजन के लिए उठा लिया है वर्क पावर एनर्जी, इसका मैंने नोट्स रिवीजन बहुत पहले ही कर लिया था, अभी फाइनली जाके मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी मेरे पास ऑलमोस्ट एक हफ्ते हैं, तो मैं एक हफ्ते तक तीनों सब्जेक्ट या फिर दोनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूँगा। कुछ कुछ चैप्टर्स के मैंने PYQs डाल रखे हैं, तो मैं उनके PYQs करूँगा, एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस रखी है, एंड कुछ कुछ के तो खाली नोट्स ही रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही हफ्ते में या फिर दो हफ्ते में तुम सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से लेके चलना कि तुम लोग अपने वीक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे उनके खाली नोट्स कर लो, और जो एवरेज टॉपिक होंगे उनके खाली PYQs कर लो, ताकि तुम मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे कम टाइम में, एंड मैक्सिमम टॉपिक कवर कर पाओगे कम टाइम में। ओके, तो अभी मेरा खाना भी खत्म हो चुका है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वर्क पावर एनर्जी की वो भी खत्म हो चुकी है। तो अभी शायद मैं DPP कर लेता हूँ, बिकॉज अब तक मैंने DPP को हाथ नहीं लगाया, तो DPPs करनी है, साथ ही में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और बायोलॉजी की तो सुबह कर ली थी, अभी मैं अगर AITS का कर पाया तो वो भी कर लूँगा। वैसे करने को तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब फिलहाल मेरे को नींद भी आ रहा है, तो देखते जितना कर पाऊँगा उतना करूँगा। आज पता नहीं क्यों नींद आने लग रहा है भाई, पर करना तो पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई नींद आ रहा है, मैं जगा हूँ कर रहा हूँ एक्स्ट्रा बेड के, ऐसा नहीं है। मेरा अब तक रोज़ के सोने का टाइम भी नहीं हुआ है, अभी और टाइम है, पर आज पहली नींद आ रहा है। पर वही है ना यार कि जल्दी सोने भी नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे बिस्तर पे लेटूंगा वैसे नींद गायब हो जाएगी। उससे बेहतर है कि अभी पढ़ ही लेता हूँ। फिलहाल तो मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो हो गया भाई आज का, वैसे ही नींद आ रही थी, अभी और ज़्यादा नींद आने लगी, तो अभी मैं फटाक से जाके सोने वाला हूँ। बाकी अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो तुम लोग भी लाइक करो यार, तुम थोड़ी सो रहे हो, तुम तो जगे हुए हो ना, तो लाइक करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, लाइक करो। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर मर्ज़ी होगी तो, नई मर्ज़ी होगी तो, मैं कौन होता तुम्हें बोलने वाला। चलो मिलते हैं, बाय। और ये मैं बोलना भूल गया कि अगला व्लॉग फिर देखने आना, ठीक है।